स्टेशन मोड़ पांडेश्वर की सड़क पर आए दिन अवैध बालू ट्रकों को खराब होने से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जर्जर सड़क में अवैध बालू लेकर चलने वाले ट्रकों को गड्ढे में तब्दील सड़क में फंसकर खराब हो जाती है, जिससे सड़क पर लंबी जाम लग जाती है। अवैध बालू लदे ट्रकों को खराब हो जाने पर पुलिस की तरफ से वहां पर सिविक पुलिस की भी तैनाती की जाती है, ताकि सड़क मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। फिर भी जाम लगने से आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मालूम हो कि कुंदा और बेलडंगा घाट से राज्य सरकार को राजस्व का चूना लगाते हुए पुलिस प्रशासन, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों और टीएमसी नेताओं की मिलीभगत से धड़ल्ले से अवैध बालू की तस्करी चल रही है। पांडेश्वर स्टेशन मोड़ पर आए दिन ट्रकों की खराब हो जाने से स्थानीय दुकानदारों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जबकि इस सड़क मार्ग से अधिकारियों नेताओं की आवाजाही होती रहती है, फिर भी सभी के सामने बालू की अवैध तस्करी का सिलसिला जारी है। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट।